नमस्कार, स्वागत है आपका लोकतंत्र की चौपाल में। मैं हूं सूरज मोहन झा। 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट संसद में पेश किया। उस बजट से तमाम सेक्टर के लोगों की अपनी अपेक्षाएं थीं। एमएसएमई सेक्टर उसी में से एक बड़ा सेक्टर है। एमएसएमई सेक्टर का भारत के सकल घरेलू उत्पाद में 30% योगदान है। यह बताता है कि एमएसएमई सेक्टर कितना महत्वपूर्ण है और देश के 12 से 15 करोड़ लोगों के घरों को यह सेक्टर अकेला चलाता है। इस समय मैं राजस्थान के कोटा शहर में हूं और मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है यहां के व्यवसायी। इनमें से ज़्यादातर लोग एमएसएमई सेक्टर से जुड़े हुए हैं, जो सेक्टर भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ कहलाता है। तो आइए कोटा शहर में यहाँ के व्यवसायियों से बात करते हैं बजट 2021 की। एक फरवरी 2021 को जो बजट वित्त मंत्री द्वारा पेश किया गया है, उस बजट को आत्मनिर्भर भारत की ओर कदम बढ़ाने वाला बजट कहा जा रहा है। आइए कोटा के व्यवसायियों से जानते हैं, क्या वाकई में इस बार का बजट देश को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाएगा। अपनी बातचीत के क्रम को हम आगे बढ़ाते हैं और अपनी बातचीत के सिलसिले को शुरू करते हैं गोविंद राम मित्तल जी के साथ। ये कोटा के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के संस्थापक अध्यक्ष हैं। सर, अगर मैं बजट 2021 की बात करूं और ख़ासतौर से मैं चर्चा की शुरुआत एमएसएमई सेक्टर से ही करूं, जो मझोले कारोबारी हैं, जो स्मॉल स्केल से जुड़े हुए लोग हैं, आप इस बजट को किस तरह देख रहे हैं? ये जब बजट पेश किया गया था, सब लोगों के मन में ये डर था कि पता नहीं ये कोविड की वजह से बजट में क्या होगा। खुशी की बात यह कि कोविड की वजह से इसमें एक भी तरह के किसी टैक्स पर कोई सरचार्ज, कोई सेस ऐसा नहीं लगाया गया जो हमें ये कहना पड़े कि कोविड की वजह से बजट में हमारों को ये मार लगी। इसकी क्रेडिट हमारे ओम बिरला जी को और हमारी पूरी जो वित्त मंत्री उनको सीतारमण जी को, सबको इनमें धन्यवाद के पात्र हैं। क्या किया वो बताना बहुत ज़रूरी है। इस बजट के अंदर इन्होंने जो लूप होल्स थे, किरोसिन तेल के ऊपर सब्सिडी किसी एक को मिलती नहीं थी, उस सब्सिडी को सरकार ने ख़त्म करने का जो काम किया है वो सीतारमण जी ने किया है। इसका हम तहे दिल से स्वागत करते हैं और देश का जो सब्सिडी ख़त्म करने से जो तेल की जो क्राइसिस थी वो ख़त्म होगी और मिलावट का सिलसिला भी इसकी वजह से ख़त्म होगा। ये मैं आपको सरकार को धन्यवाद देता हूँ। सबसे पहले आदमी बजट को अपने ऊपर लेता है। मैं समझा कि मैं 75 वर्ष का हो गया, मुझे क्या मिलेगा। सबसे पहला मेरा ही काम किया उन्होंने, ये कहा कि 75 साल से बड़े लोगों को रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, तो मेरे को उन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न से फाइल करने से मुक्त कर दिया। तो सबसे पहला धन्यवाद उनको ये देता हूँ। एमएसएमई के लिए क्या किया ये जानना जरूरी। एमएसएमई के लिए बहुत बड़े ऐतिहासिक अमेंडमेंट किए हैं। अनुराग ठाकुर जी कोटा आए थे, हमने कुछ चीज़ें उनके सामने रखी थी और वो चीज़ें रखी थी एज इट इज़ उन्होंने इम्प्लीमेंट की। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात समझे, ये समझ हमारे बहुत ही बड़ा एक उपलब्धि भरा वर्ष हमारे लिए 2021 वर्ष रहेगा। वैसे भी कहते हैं कि ये काम 21 हो रहा है तो 21 वर्ष में 21 होगा, ये मैं मानता हूँ। 5 करोड़ की जो सीमा थी हमारी इनकम टैक्स की, वैधानिक सीमा थी स्टेचुटरी ऑडिट की जो है, उसको बढ़ा करके 10 करोड़ करना एक ऐतिहासिक। लगभग 80 लाख से ज़्यादा व्यापारियों को फायदा दिया गया है। उनको इनकम टैक्स का दरवाज़ा नहीं देखना पड़ेगा, ऑडिट नहीं करानी पड़ेगी, केवल मात्र परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट बेस के ऊपर डीम्ड असेसमेंट उनका होगा। ये बड़ा भारी, सरकार के रेवेन्यू भी बढ़ेगी इसमें और व्यापारियों की इसमें कम से कम इसमें समस्या आएगी, ऐसा मैं मानता हूँ। चलिए, मैं आपकी चर्चा के क्रम में आपके पास फिर आऊँगा। सर ने जिस तरह से बताया कि एमएसएमई सेक्टर के लिए, और चूंकि खुद वरिष्ठ नागरिक है और 75 साल की सीमा को पार कर चुके हैं, तो उस छूट का इन्होंने जिक्र किया। साथ में मैं आपको बताना चाहूँगा, कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का क्षेत्र है और इसलिए इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का जिक्र किया कि उनके प्रयासों से भी चीज़ें जो है यहाँ सुगम हुई। सर, आप अपना परिचय दें। नाम विपिन सूद है, एसएसए एसोसिएशन का पास प्रेजिडेंट, लघु उद्योग भारती का पास प्रेजिडेंट हूँ और अभी चित्तौड़ भंबाग का मंत्री हूँ। सर, चूंकि आप लघु उद्योग से जुड़े हुए हैं, उसकी संस्था से जुड़े रहे हैं, तो इस बार के बजट को लेकर मैं अगर आपके इस लघु उद्योग की ही बात करूं, तो आपको निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया है तो आपको क्या मिला?
हमें ये लग रहा है कि इस बार जो बजट पेश करा है ये ऐतिहासिक बजट है। ऐसा बजट अभी आज तक हमें कभी सुनाई नहीं दिया। लेकिन इस बजट में हमारी सोच ये थी कि पता नहीं कौन से टैक्स लगेंगे, क्योंकि कोरोना की वजह से जो भार पड़ा है तो ये सोचा जा रहा था कि शायद सेंटर इसको वो करेगा। लेकिन ये बधाई के पात्र हैं कि इन्होंने कोई भी ऐसा टैक्स नहीं लगाया, बल्कि उसकी बजाय कोई ऐसी सुविधा दी है कि जिसके लिए व्यापारी को बहुत आसानी होगी और कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, एमएसएमई सेक्टर, जैसे मैंने कार्यक्रम के शुरुआत में कहा था, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और हमारी जीडीपी में 30% अकेला योगदान ये एमएसएमई सेक्टर ही देता है। और कोरोना की सबसे ज़्यादा मार इसी सेक्टर को झेलना पड़ा था, इसलिए हमने देखा था कि बीच लॉकडाउन में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से एक विशेष पैकेज का की घोषणा कराई थी, ताकि जो एमएसएमई सेक्टर है वो बूस्टअप करे और इसे आत्मनिर्भर अभियान के साथ भी जोड़ा था। सर पहले अपना परिचय दे। सर मैं मुकेश गुप्ता, अभी SSI एसोसिएशन का प्रेसिडेंट हूं और कोटा स्टोन और होस्टल व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं। सर अगर मैं आपसे जानना चाहूं, जो बजट इस बार पेश हुआ है एक व्यवसायी के तौर पर, और चूंकि आप कोटा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आपको क्या कुछ मिला है? देखिए, जो बात सभी कह रहे हैं कि इस बार कोई भी टैक्स नहीं लगा, वो एक सबसे बड़ा अचीवमेंट तो यही रहा कि कोई नया टैक्स नहीं लगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो प्रोजेक्ट इस बजट में दिखाया गया है, जब जैसा इस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, रेल्स नहीं चल रही हैं, रोड्स बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, तो अल्टीमेटली इन चीज़ों से व्यापार हमारा बढ़ेगा, हमको सुविधा मिलेगी ट्रांसपोर्टेशन की, हमको ट्रांसपोर्टेशन और ट्रैवलिंग की जो सुविधा मिलेगी उससे व्यापार बढ़ाने में काफ़ी सुविधाएँ होंगी। इस बार का बजट कहा जा रहा था कि हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर इस पे ज़्यादा फोकस किया गया था, ताकि देश में हम स्वस्थ भी रहें और अपने काम धंधों को आगे बढ़ाएं। सर अपना परिचय दे। सर मैं राजेंद्र अग्रवाल, ऑटोमोबाइल व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, पूर्व अध्यक्ष कोटा व्हीकल डीलर एसोसिएशन। सर चूंकि आप ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए हैं, हमने देखा था तकरीबन 1.5-2 साल पहले ऑटोमोबाइल सेक्टर एक भारी मंदी का शिकार हुआ था। वैसे ये कहा जा रहा है कि कोरोना और लॉकडाउन के बाद इस सेक्टर को एक जीवनदान मिला था, तो अगर मैं बात करूँ कोरोना और इस बार के बजट को लेकर, तो ऑटोमोबाइल सेक्टर को क्या फ़ायदा हुआ है अगर मैं कहूँ, या कहाँ चूक रह गई? इसमें बहुत फ़ायदा होगा ऑटोमोबाइल सेक्टर को, क्योंकि ये बजट एक दूरगामी बजट है। एक तो इन्होंने जो इंफ्रा और रोड के लिए जो कैपेक्स बढ़ाया है, तो डेफिनेटली जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो गाड़ियों की डिमांड बढ़ेगी, ट्रक्स की डिमांड बढ़ेगी। दूसरा, इन्होंने जो है 18,000 करोड़ रुपये का स्टेट्स को बसेस के लिए बजट एलोकेट किया है कि सब बसेज अपनी चेंज करें, तो इससे जो हमारी बस इंडस्ट्री बहुत मिनिमम लेवल के ऊपर चली गई थी, तो उसको इससे काफ़ी बूस्ट मिलेगा। और तीसरा, जो सबसे लॉन्ग अवेटेड स्क्रैपेज पॉलिसी थी, वो स्क्रैपेज पॉलिसी की घोषणा इस बजट में हुई है, उससे इस ऑटोमोबाइल बिजनेस को बहुत ही बूस्ट मिलेगा, क्योंकि 15 साल और 20 साल में गाड़ी को स्क्रैप करना होगा या उसको दोबारा फिटनेस वगैरह कराना होगा, जो भी पॉलिसी है, तो उससे क्या है कि डिमांड बहुत एकदम से बहुत बढ़ेगी। और ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर जो बिल्कुल एकदम मंदी की दो उसमें चला गया था, इसको डेफिनेटली बूस्ट मिलेगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर को हमने देखा था बीते 2 साल पहले एक भारी मंदी का शिकार हो गया था और बड़ी बड़ी कंपनियों से छंटनी की खबर आने लगी थी और देश कहीं ना कहीं बेरोजगारी के मुद्दे से जूझ रहा था, वहाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर को एक जीवनदान मिला है। और जिस तरह से सर ने बताया है कि ये जो कदम उठाए गए हैं बजट में, इसका दूरगामी नतीजा आएगा और ऑटोमोबाइल सेक्टर अपनी ऊँचाइयों को छुएगा। सर अपना परिचय दें। मैं जसपाल अरोड़ा, फर्नीचर व्यवसाय मेरा और SSI से मैं जुड़ा हुआ हूँ। सर अगर हम बात करें, जैसे आयकर की बात करें या फिर जिस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, आप बजट के और आयामों की अगर हम बात करें, तो एक मध्यम वर्गीय परिवार के लिए आप इस बजट में क्या देखते हैं? मध्यम वर्ग के परिवार के लिए जो निर्मला सीतारमण जी ने जो 35,000 करोड़ रुपये का जो बजट दिया है, वो एक बहुत सराहनीय है, और इससे जो डेवलपमेंट और जो बिजनेस जो सबको मिलेगा और नई इंडस्ट्रीज जो खुलने के लिए सबको जो मौका मिलेगा, उसके लिए जितना बेनिफिट पब्लिक को होगा, मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा किसी और को भी इसका कोई बेनिफिट ऐसा होगा। और व्यापारी जितना इसको करेगा काम, उतना ही पब्लिक को फ़ायदा है, जितना पब्लिक को फ़ायदा होगा उतना बिजनेस अपने आप चलेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का भी अपन को थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा। आज अगर अपन किसी भी चीज़ के लिए इंपोर्ट करते हैं, बाहर से कोई सामान मंगाते हैं, तो वो अपन एक्सपोर्ट के लिए अगर नहीं करेंगे तो इंपोर्ट यहीं पे अगर जिस चीज़ की मैन्युफैक्चरिंग होगी तो सब चीज़ का यहाँ का पैसा यहाँ का ही रहेगा, स्वदेशी का स्वदेशी में रहेगा। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुरू से कहते आए हैं कि हमें नौकरी लेने वाला नहीं बल्कि नौकरी देने वाला बनना है, और इसलिए हमने देखा था जब से मोदी सरकार आई है वो स्वरोजगार के क्षेत्र में बराबर कदम उठा रही है। मुद्रा योजना हो, चाहे स्टैंडअप योजना हो या फिर स्टार्टअप हो, तमाम तरह से युवाओं को प्रेरित कर रहे हैं कि वो आएँ और इन योजनाओं का लाभ लेकर अपना रोजगार खड़ा करें ताकि और लोगों को भी वो रोजगार मुहैया करा सकें। सर, अगर मैं इसी स्वदेशी और स्वरोजगार के मुद्दे पे बात करूं, वैसे तो मोदी सरकार बीते अपने पूरे ही पिछले कार्यकाल की बात हो या इस कार्यकाल में तमाम योजनाएं लेकर आई है, इस बार के बजट को अगर उससे जोड़े तो आपको लगता है कि रोजगार के क्षेत्र में या खुद जो अपना व्यवसाय खड़ा करना चाहते हैं, जो अपना काम धंधा करना चाहते हैं, उनके लिए ये बजट सकारात्मक रहेगा? मैं सबसे पहले अपना परिचय दे दूं। मैं अचल पोदार, लघु उद्योग भारती का प्रदेश राजस्थान प्रदेश का सचिव हूं, वह SSI एसोसिएशन का पास प्रेसिडेंट हूं। ये जो बजट आया है हिंदुस्तान के पास्ट में अपन देखें तो सबसे ऐतिहासिक बजट है। इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पे विशेष तरह से जोर दिया गया है जिससे कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा तो हमारे उद्यमी भाई बहुत अच्छा उद्यमी कर सकते हैं। मैं पत्थर व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ इसलिए एक बार बताता हूँ, पहले हमारा हम एक्सपोर्ट भी करते हैं पत्थर, कांडला हम पत्थर भेजते थे पोर्ट पे तो 5-5, 7-7 दिन में गाड़ियाँ पहुँचती थी, बाकी आज के तारीख में ये फास्ट टैग होने से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे होते हैं, 2 दिन में हमारे यहाँ से ट्रक कांडला पहुँच जाता है। अगर सर आपने जो बहुत अच्छी बात की, जो इकोनॉमिक ये जोन है, भारतमाला प्रोजेक्ट और तमाम तरह की जो प्रोजेक्ट हैं ताकि भारत को एक इकोनॉमिक कॉरिडोर की तरह जोड़ा जाए और जो फिजूल के खर्चे हमारे आवागमन में ट्रांसपोर्टेशन में होते से रोका जाए, आपको लगता है वो सकारात्मक अब उनके नतीजे आ रहे हैं? उसके वजह से हमारा बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। जो ट्रक 5 दिन में कहीं पहुंचता था वो आज 2 दिन में पहुंच जाता है, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है व्यापारी के लिए। और मैं ओम बिरला जी को विशेष तौर पे धन्यवाद दूंगा, जो दिल्ली बॉम्बे एक्सप्रेस हाईवे बन रहा है 8 लेन का, उसका एग्जिट और एंट्री पॉइंट उन्होंने कोटा में दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। उससे कोटा की इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ेगी और यहाँ रोजगार के बहुत सारे अवसर पैदा होंगे। बिल्कुल, इन्होंने लोकसभा अध्यक्ष का ये संसदीय क्षेत्र है और उनके प्रयासों से जिस तरह सर ने बताया कि जो पूरा कॉरिडोर था उसे कोटा से जोड़ा गया है, कोटा कहीं ना कहीं एक व्यवसायियों का क्या एक हब कह सकते हैं, वहाँ उसके सकारात्मक नतीजे ये बता रहे हैं। सर आप खड़े हो जाएं और सर अपना परिचय दें। मैं कमलदीप सिंह, पास्ट प्रेजिडेंट SSI एसोसिएशन और वर्तमान प्रेजिडेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स सोसाइटी। तो सर अगर हम बजट की बात करें और जिस तरह से तमाम लोगों ने बताया है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, MSME सेक्टर को लेकर हम बात कर रहे हैं, स्वरोजगार को लेकर तमाम योजनाएं बनाई गई हैं, आपको लगता है कि कोरोना वैश्विक महामारी के बाद हमने देखा था एक बहुत बड़ी मंदी का शिकार हुआ था, खासतौर से MSME सेक्टर ही हुआ, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई थी, उसको उबारने के लिए तमाम तरह की योजनाएँ और पैकेज की घोषणा की गई, इस बजट से आप किस तरह से उम्मीदें देख रहे हैं? डेफिनेटली बजट काफ़ी पॉजिटिव बजट है, इसमें स्पेशली जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे इम्फेसिस है, कई ऑटोमोबाइल को लेके काफ़ी पॉजिटिव मूव्स हैं, ये काफ़ी अच्छी मूव्स हैं और कोई नया टैक्स नहीं लगा, ये बहुत अच्छी मूव है। तो इन चीज़ों का टोटल इम्पैक्ट डेफिनेटली MSME पे और जिसे कहते हैं मेक इन इंडिया पे ज़रूर आएगा। और इसमें जो कोटा में जो एग्जिट पॉइंट है, जो इसका फास्ट जो आया है दिल्ली बॉम्बे का, उससे जो कोटा को एडवांटेज है वो मेजर एडवांटेज है, वो एक सिटी को चेंज करता है, तो एक ये बहुत ही अच्छी पहल है जो हमारे यहाँ पे हो पाई है, तो ये एक बहुत ही सराहनीय मूव है। ये बजट में सकारात्मक चीज़ें इनको दिख रही हैं और इस तरफ मुझे कुछ युवा उद्यमी भी नज़र आ रहे हैं, मैं इनसे जानता हूँ कि अभी तक हमने जिनसे बात की वो वरिष्ठ हैं और एक अच्छा खासा तजुर्बा व्यवसाय में उनका रहा है, उसको उन्होंने बयां किया कि यहाँ पे युवा हैं तो इनसे जानते हैं। एक युवा उद्यमी होने के नाते पहले तो आप अपना परिचय दीजिएगा और उस पर सवाल भी दोहरा देता हूँ मैं। युवा उद्यमी होने के नाते जिस तरह से मैं प्रधानमंत्री मोदी बार बार युवाओं से आह्वान कर रहे हैं कि अपना रोज़गार आप खड़ा करें, कुछ नए नए इनोवेटिव चीज़ों को लेके आएँ, उन्होंने कहा भारत में शोध जो है उसका बड़ा अभाव रहा था, तो वो बार बार कह रहे हैं कि स्किल्ड होने की ज़रूरत है, इसके लिए उन्होंने तमाम तरह की फेलोशिप स्कीमें भी चलाई हैं, आपको लगता है इन सब चीज़ों के अब सकारात्मक नतीजे आने शुरू हुए हैं? बिल्कुल, मैं ईशांत अरोड़ा, सेक्रेटरी दी SSI एसोसिएशन कोटा। जो आपका सवाल है, ये जो सवाल, इसका जवाब ये है कि हाँ, अब उसके नतीजे आने शुरू हुए हैं। जैसे कि कुछ उम्मीद ऐसी थी कि कोरोना की वजह से हो सकता है कि स्टार्टअप जो पॉलिसी है उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो कंटिन्यू रखी, इसके लिए फाइनेंस मिनिस्टर को बहुत बहुत
धन्यवाद। और जो इस बार का बजट में 2.25 लाख करोड़ रुपए का जो हेल्थ को बजट दिया गया, मेरे ख्याल से शायद US का सबसे बड़ा बजट होता है हेल्थ का, और उसके बाद इंडिया को वो बजट मिला है। ये बहुत अच्छा एक मूव है। और जहाँ की जैसे कि हम बात करें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंडिया में प्रोडक्ट्स डेवलप करना या व्यापार को और बूस्टअप करने के लिए इंपोर्ट ड्यूटीज़ को बढ़ाया है, तो आत्मनिर्भर भारत पे फोकस भी रहेगा कि हम लोग इंपोर्ट कम करके हम लोग उस चीज़ का उत्पाद करें, हम एंटरप्रेन्योर बने, ना कि हम किसी के यहाँ पर जाकर के नौकरी करें। धन्यवाद। अपना रोज़गार क्रिएट करें और आयात करने की जगह निर्यात के क्षेत्र में हम आगे बढ़ें। इन्होंने स्वास्थ्य क्षेत्र की बात की और भारत में स्वास्थ्य के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़े उसको लेकर इस बजटीय आवंटन इस बार बहुत बड़ा हुआ है। और हम एक देख रहे हैं कि एक सकारात्मक नतीजे भी हैं। विदेश की जो कूटनीति होती है उसमें कहीं ना कहीं इस हेल्थ सेक्टर ने हमारे लिए समय बहुत ही प्रभावी काम किया है। स्वदेशी वैक्सीनेशन का जो हमारे देश में आविष्कार हुआ, उसके बाद चूँकि वो दाम के हिसाब से भी कम है, जिस तरह से पूरे अल्प विकसित देशों से हमारे यहाँ डिमांड आ रही है और कई विकसित देशों से भी आ रही है, तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो विदेशी कूटनीति है उसको भी ये समृद्ध कर रहा है। अगर सर पहले अपना परिचय दें। मैं दीपक मेहता, मेरी एक ह्यूमन रिसोर्स कंसल्टिंग कंपनी है, हम हेल्थ केयर और हॉस्पिटैलिटी में पायनियर हैं राजस्थान में। दीपक मुझे बताएं, जिस तरह से मैं हेल्थ सेक्टर से जुड़ा आपसे पूछ लेता हूं, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि हेल्थ सेक्टर में इस बार बजट का आवंटन भी बड़ा हुआ है, साथ में स्वदेशी वैक्सीनेशन जो हमारा अपना स्वदेशी निर्मित हुआ है, पूरे विश्व से हमारे पास डिमांड आ रही है। एक प्रश्नकाल में एक सवाल का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया था कि 22 देशों से हमारे यहाँ डिमांड आई है इस वैक्सीनेशन को लेकर। तो एक युवा होने के नाते आपको गर्व होता है? सर आपका फिगर थोड़ा सा कम है, मैं इसको रिपोर्ट करना चाहूँगा। कल ही यूनाइटेड नेशंस ने जो हमारी इंडिया बेस्ड वैक्सीन है उसको आने वाले 48 और देशों के लिए इम्पैनल कर लिया है। दे हैव गॉट ए लाइसेंस फॉर दिस, तो आई एम वेरी प्राउड एंड एक्चुअल फिगर्स मैं लेके घूम रहा हूँ। बिल्कुल, ये एक सकारात्मक है। वैसे मैंने कोट किया था जो अभी बीता पहला चरण था बजट सत्र का, उसके सवाल के जवाब में स्वास्थ्य मंत्री बोले थे और उस पर उन्होंने उसे आगे बढ़ाया, जो वर्तमान फिगर है उसको इन्होंने बताया। और ये बिल्कुल एक भारतीय होने के नाते हम सब के लिए गर्व का विषय है। आप चूँकि हॉस्पिटलिटी से जुड़े हैं, कोरोना ने सबसे ज्यादा जो है इसी होटल व्यवसाय, पर्यटन, इसी सेक्टर को सबसे ज्यादा प्रभावित किया था। अब चूंकि कोरोना से हम उभर रहे हैं, धीरे धीरे वैक्सीनेशन का भी आ गई है, पहला चरण लगभग उसका पूरा हो रहा है, तो अब आपको लगता है कि ये जो सेक्टर है ये अब गति पकड़ेगा? सर देखिए, इस सेक्टर की बहुत पिछले 6 महीने से डिमांड थी कि वो किस तरह से उनको पैकेज दे सके, क्योंकि होटल्स प्रैक्टिकली बंद हो चुके थे, फॉरेन टूरिस्ट आने बंद हो गए थे। तो हम जब होटेलियर से बात कर रहे हैं आज के टाइम पर, तो वो यही कह रहे हैं कि हम आज के टाइम पर सरकार के लिए धन्यवाद इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उन्होंने रेट ऑफ़ इंटरेस्ट को लो किया है। सारे होटल प्रोजेक्ट्स एक बड़े कैपिटल इंटेंसिव प्रोजेक्ट होते हैं, तो अगर ब्याज दर कम होती है तो बाई डिफ़ॉल्ट उनका जो इंटरेस्ट पार्ट होता है वो कम, उनके पर लेस बर्डन होता है। और प्लस साथ में जिसे कह सकते हैं ना कि लोकल टूरिज्म जो है वो आज के टाइम पे फुल फ्लेजेडली, मतलब देश ने देश को सपोर्ट किया है, इस टाइम पे लोकल टूरिस्ट की भरमार लगी हुई है हर टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। वोकल फॉर लोकल प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं, और इन्होंने बताया पर्यटन के क्षेत्र में भी जो संजीवनी का काम कर रहा है वो लोकल ही कर रहा है। बेशक हम विदेशी चीज़ों को लेकर ज़्यादा लुभाता है हमको वो, लेकिन उसके बावजूद जैसे इन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं अब भी हमारे जो अपने लोग हैं उनसे ही हमारा अर्थव्यवस्था का आधार बचा हुआ है। सर अपना परिचय दें। मैं अनीश बिरला, ऑटोमोबाइल आर्सरी और होस्टल व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूँ, और प्रेजेंट में मैं SSI का ट्रेजरर हूँ। बिल्कुल, आप भी जो होटल व्यवसाय से ही जुड़े हुए हैं तो आपसे भी पूछ लेते हैं। होस्टल व्यवसाय? अच्छा, होस्टल व्यवसाय से। अच्छा, तो कोटा के बारे में आपको बता दें, कोटा जो है वो आप सभी जानते हो, परिचय का मोहताज नहीं है। कोटा पूरे देश में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है। देश के अलग अलग हिस्सों से आपको यहाँ बच्चे नजर आएंगे। कोटा अपने आप में एक शहर नहीं है बल्कि पूरे भारत का प्रतिनिधित्व करता है। और चूंकि ये होस्टल व्यवसाय से जुड़े हैं, तो ये बताइए, कोरोना में हमने देखा था बच्चे जो है वो फंस गए, उसके बाद उनको भारत सरकार ने यहाँ से निकाला, अपने अपने घर तक पहुँचाया, और कहीं ना कहीं उसका प्रभाव आपके व्यवसाय पे पड़ा होगा। अब क्या आपको लग रहा है? सर मैं सबसे पहले तो ओम बिरला जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उनके कारण ही जो हमारे कोटा में 30 से 40 हज़ार बच्चे थे, उनके कनेक्शन के कारण या उनके लोकसभा अध्यक्ष होने के कारण ही हमें ये हो चुका कि वो बच्चे
सही सलामत अपने अपने घर पे अपने पेरेंट्स के पास पहुंच सके, उससे कोटा के लिए स्पेशली कोटा के लिए एक अच्छी पॉजिटिव वेव डेवलप हुई है। उसका फ़ायदा हमें आने वाले टाइम पे जैसे जैसे माहौल थोड़ा सा और पॉजिटिव होगा अच्छा मिलेगा। तो अभी तो हमारे लिए एक वापस एक लर्निंग फेस और नया फेस चालू हुआ है, होप सब चीज़ें बेटर हो और ज़रूर होगी। बिल्कुल, एक नई शुरुआत होगी। कोटा चूंकि कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पे हज़ारों लाखों बच्चे थे और हमने लॉकडाउन में एक अलग ही तस्वीर देखी थी, जब लॉकडाउन लग गया था तो यहाँ बच्चे फंस गए थे। इन्होंने सही बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने खास प्रयास किए थे कि सारे बच्चे जहाँ देश के जिस जिस हिस्से से थे वो अपने घरों तक सुरक्षित पहुँचे और वो पहुँचाया भी गया। और हम उम्मीद कर सकते हैं अब बच्चे चूँकि हम कोरोना से उबर रहे हैं, वैक्सीनेशन का सफल प्रयोग हमारे देश में हो रहा है, तो कोटा जो कि कोचिंग के लिए प्रसिद्ध है वो दोबारा अपने उस गौरव को पाएगा, बच्चे यहाँ पे आने शुरू भी हो गए हैं। सर अपना परिचय दें। मेरा नाम केपी सिंह है, मैं दी एसएसआई एसोसिएशन में वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट हूँ। मैं अखिल भारतीय स्तर पर कंप्यूटर एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट का हमारा काम है। मैं आप चूंकि स्किल डेवलपमेंट से जुड़े हुए हैं तो मैं आपसे वही सवाल पूछना चाहता हूं। हमारे देश में स्किल को लेकर पहले उतने काम नहीं होते थे, हम परंपरागत ढर्रों पे ही चलते थे। प्रधानमंत्री मोदी जब से आए उन्होंने बार बार स्किल के लिए बात की कि हमें अपने युवाओं को स्किल्ड करना होगा, अगर स्किल्ड करेंगे तभी हम जो युवा शक्ति हैं पूरे विश्व में सबसे बड़ी युवा आबादी हमारी है, उस युवा आबादी को हम बर्बाद कर देते हैं अगर हम उनको स्किल्ड नहीं बनाते हैं। तो आपको लगता है चूँकि आप इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो स्किल इंडिया प्रोग्राम है और बजटीय आवंटन भी हुआ है तो इसके सकारात्मक अब नतीजे आएंगे? इसके अभी जो वर्तमान में जो रिजल्ट आ रहे हैं बहुत शानदार परिणाम आ रहे हैं। इसके जहाँ तक मेरा ख्याल है कि हमारे कोटा बूंदी के जो सांसद आदरणीय ओम बिरला जी हैं, जो वर्तमान में स्पीकर हैं और इस देश की महापंचायत के को के हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं, स्किल डेवलपमेंट आदरणीय ओम बिरला जी का एक अपना पर्सनल सब्जेक्ट था और वो स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे। उनके दिशा निर्देश के अनुसार कोटा के अंदर बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट खुले और उनके दिशा निर्देश से पूरे भारत में बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट उसमें खुले थे। आज पूरे भारत में करीबन लाखों केंद्र ऐसे हैं जो कि स्किल इंडिया के नाम से खुले हुए हैं, चाहे वो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना हो, चाहे स्टेट लेवल पर RSLDC, बहुत सारे केंद्र अलग अलग सेगमेंट के अलग अलग, यानी कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो अलग अलग सेगमेंट, चाहे हॉस्पिटल हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे साइकिल बनाने वाला हो, चाहे मटकी बनाने वाला हो, चाहे होटल के अंदर प्लेट रखने वाला हो, उसको भी स्किल्ड किया। बिल्कुल, इन्होंने जिक्र किया कोटा का, जहां लोकसभा अध्यक्ष पहले स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर थे, जब सांसद थे तब उन्होंने काफ़ी काम किए यहाँ पे स्किल इंडिया के सेंटर खोलने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी के भी प्रयास पूरे भारत में रहे। सर अब पहले अपना अपना परिचय दें। मेरा नाम अमित सिंगल है, मैं वर्तमान में लघु उद्योग भारती कोटा इकाई का सचिव हूँ, साथ ही मेरी अपनी इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंडस्ट्री है। हम लोग सीमेंट प्लांट, पावर प्लांट, फर्टिलाइजर प्लांट्स को अपने प्रोडक्ट्स और सर्विसेज देते हैं। सर अगर मैं थोड़ा चर्चा को दूसरी तरफ ले जाऊं, किसानों की बात कर लेते हैं। किसानों की बात हो रही थी, प्रधानमंत्री मोदी का बार बार कहना है कि किसानों के आय को हमें दोगुना करना है, उसके लिए तो कुछ कठोर कदम भी उठेंगे। हमने देखा बीते मानसून सत्र में जो संसद का था उसमें 3 कानून, 2 जो कृषि मंत्रालय से जुड़े थे, एक उपभोक्ता मंत्रालय से जुड़ा हुआ था, उनको लाया गया ताकि कृषि क्षेत्र में अभूतपूर्व बदलाव किया जाए और कहीं ना कहीं इसको जीवन यापन का मात्र साधन ना हो, कृषि जो है वो जीवन यापन का साधन मात्र ना हो बल्कि वो आजीविका का केंद्र हो और वो हमारी तरक्की का भी केंद्र हो, उसको लेकर लाया गया था। लेकिन हम देख रहे हैं एक वर्ग इसको लेकर खिलाफत कर रहा है, आंदोलन कर रहा है, आप क्या कहेंगे? ये तो जो खिलाफत हो रही है वो बिल्कुल राजनीतिक है, सबको समझ में आ रहा है, यहाँ तक कि जो कर भी रहे हैं वो भी मज़े के लिए कर रहे हैं या मोटिवेटेड हैं। बट डेफिनेटली ये जो कानून आए हैं इससे किसानों का बहुत भला होगा और मैं ये मानता हूँ हमारी जो सरकार है ये कहीं भी ऐसा कोई काम नहीं करेगी जो किसानों के हित में ना हो। बिल्कुल, तो इसमें तो कोई दोरा है नहीं और हम ये मानते हैं कि जो आंदोलन हो रहा है बिल्कुल गलत हो रहा है, ये बिल्कुल बंद होना चाहिए, देश के लिए नुकसानदायक है, अंतर्राष्ट्रीय इमेज के लिए भी नुकसानदायक है हमारे देश को। आंदोलन किसी का लोकतांत्रिक अधिकार होता है। हाँ सर आप कुछ कहना चाह रहे? सर मैं इस बजट के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि जिसके लिए हम लोग बहुत खुश हैं। बजट में सबसे बड़ी मांग सर ये, लास्ट टाइम जो कोटा में अनुराग ठाकुर जी आए थे और ओम बिरला जी थे साथ में, तो हम सब लोगों ने मित्तल साहब के सानिध्य में एक डिमांड रखी थी कि साहब हम बात करते हैं वन नेशन वन टैक्स की, तो फिर हम लोगों ने ये यहाँ दो ऑडिट क्यों कर रखी है, अब
जीएसटी का अलग ऑडिट, इनकम टैक्स की अलग ऑडिट, जिसके लिए हमें डबल मेहनत करनी पड़ती है, खर्चा भी ज़्यादा होता है और उद्यमी के लिए भार की तरह होता है ये। तो उन्होंने इस बार ये जीएसटी ऑडिट ख़त्म करके बहुत ऐतिहासिक स्टेप लिया है और इसके लिए हम उनका सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, हमारे लोकसभा अध्यक्ष को, फाइनेंस मिनिस्टर को, अनुराग ठाकुर जी को। ये बहुत बढ़िया काम किया उन लोगों ने। बिल्कुल सर, मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री ने पूरे भारत को डिजिटल इंडिया करने के लिए कहा है, और डिजिटल इंडिया बिना कंप्यूटर एजुकेशन का होगा नहीं, पर चूंकि आपके इस टेलीविज़न के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसमें 18% टैक्स लगाया हुआ है कंप्यूटर एजुकेशन पे, जो कि शायद बहुत ज़्यादा है, तो मेरा ये निवेदन है कि 18% से कम करके या तो 12% कर दें या 5% कर दें। और मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि ये होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एजुकेशन है और एजुकेशन पे अगर 18% जीएसटी लगेगा तो इसका भार स्टूडेंट पे पड़ता है, जो स्किल अपने आप को करने के लिए आता है उसको वो देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, इनकी अपनी अपेक्षाएं हैं, सरकार से उम्मीद कर रहे हैं कि आगे जो बजट आए उसमें इनको वो छूट मिले। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि डिजिटल इंडिया काफ़ी प्रभावी है और कहीं ना कहीं भारत में जितनी भी केंद्रीय योजनाएँ थीं उसको क्रियान्वित करने में इसने बहुत ही सफलता से काम किया है। पहले हम देखते थे जो चीज़ें योजनाएं जाती थी उसके पैसे का जो लेन देन होता था उसमें काफ़ी भ्रष्टाचार होता था, लेकिन अब डिजिटल पेमेंट हो रहा है और डिजिटल माध्यम से लोगों को पता है कि उनके अधिकार क्या है। चर्चा के अंतिम चरण में मैं गोविंद राम मित्तल जी के पास ही आता हूँ, संस्थापक सदस्य रहे हैं यहाँ के स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के, इनसे ही जानता हूँ कि इस बजट को ये कितने नंबर देना चाहेंगे और जो ये कुछ जोड़ना चाहेंगे। सर, ये जो बजट है, ये बजट में खास बात यह है कि जब भी कोई बजट आता है और अपोजिशन की प्रतिक्रिया ली जाती है तो अपोजिशन हमेशा ये कहता है कि बजट बिल्कुल बेकार है। ये पहला बजट है जिसके बारे में अपोजिशन अपनी प्रतिक्रिया नेगेटिव नहीं दे पाया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि इस बजट की है। तो मैं कहता हूँ बजट को अगर 10 में 10 नंबर भी दे दिए जाएँ तो मैं समझता हूँ कि ज़्यादा नहीं होंगे। हम कोटा में थे और कोटा में हमारे साथ यहाँ के उद्यमी थे, व्यवसायी थे, कुछ बुज़ुर्ग थे, कुछ प्रौढ़ अवस्था के थे और युवा उद्यमी भी हमारे साथ थे। सभी ने अपनी अपेक्षाएं बताई और इस बजट से जो कुछ उन्हें बदलाव दिख रहे हैं सकारात्मक वो भी बताया, और कुछ लोगों ने अपनी अपेक्षाएं बताई कि उन्हें किस तरह की छूट आगे भी सरकार से चाहिए। तो इस बजट को भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने वाला बजट कहा जा रहा है, वाकई हो इसके नतीजे आगे आए, क्योंकि एमएसएमई सेक्टर अगर बढ़ता है तो देश बढ़ता है। और अगर हमें $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी को अचीव करना है तो ऐसे में इस एमएसएमई सेक्टर का बढ़ना ज़रूरी है और इसका 30% से सकल घरेलू उत्पाद में इसका योगदान 50% करना होगा। तो आज लोकतंत्र की चौपाल में राजस्थान के कोटा से इतना ही, फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे विषय के साथ। नमस्कार।